हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमी नॉलेज। स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज हम फिर करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस के काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, सारे मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, अभी जितने सारे एग्जाम्स होने वाले हैं। एंड गाइस, इसमें करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन मिक्सअप हैं एंड ज़्यादातर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज़्यादातर मिलेंगे आपको एंड जनरल अवेयरनेस के भी कुछ क्वेश्चन हैं। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइज, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड क्योंकि मैं जो है काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन अपलोड करते रहता हूँ अपने वीडियो अपने चैनल पे, एंड ऐसे ही मैं आप रेगुलर अपडेट रहूँगा अपने चैनल पे एंड वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा। सो गाइज, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी आपके फ्रेंड्स एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच सिटी इज़ होस्ट टू द 107th एडिशन ऑफ द इंडियन साइंस कांग्रेस। राइट आंसर इज बेंगलुरु। ऐसा कौन सा सिटी है जो इंडियन साइंस कांग्रेस यानी 107वां होस्ट हुआ इंडियन साइंस कांग्रेस का, तो राइट आंसर इज बेंगलुरु, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द नेशनल ट्रेडर्स कन्वेंशन वॉज हेल्ड इन विच इंडियन सिटी रिसेंटली। नेशनल ट्रेडर कन्वेंशन जो है ये कौन से इंडिया का कौन सा सिटी में हुआ है, रिसेंटली ये हुआ है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली। द नेशनल ट्रेडर्स कन्वेंशन वॉज हेल्ड इन विच इंडियन सिटी रिसेंटली, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली। द 7th कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन वॉज ऑर्गेनाइज इन विच सिटी, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, लखनऊ। गाइज, आपको याद रखने हैं सारे क्वेश्चन जो है काफ़ी सिलेक्टेड हैं, करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं क्वेश्चंस। द 7th कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन वॉज ऑर्गेनाइज इन विच सिटी, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, लखनऊ। द नेशनल टूरिज्म कॉन्फ्रेंस ऑफ द ईयर 2020 वॉज रिसेंटली ऑर्गेनाइज इन विच इंडियन सिटी, राइट आंसर इज कोणार्क। The National Tourism Conference of the year 2020 was recently organized in which Indian city? Right answer is Konark. Guys, पता चल रहा आपको questions कैसे हैं, सारे questions selected लिए हैं आपने। Union Tourism Minister, who is the present Union Tourism Minister? Right answer is Prahlad Singh Pat. Next, what is the theme of the World Sustainable Development Summit 2020? Right answer is option A, towards 2030 goals, making the decade count. What is the theme of the World Sustainable Development Summit 2020? Right answer is option A, towards 2030 goals, making the decade count. Next, at which of the following places Printing press of Reserve Bank of India is not present? Printing press of Reserve Bank of India का नहीं है, कहाँ पे, कौन से सिटी पे जो है प्रिंटिंग प्रेस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रिंटिंग प्रेस कौन से सिटी पे नहीं है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, मुंबई। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप टाइप्स आर अफेक्टेड जनरली पॉजिटिवली बाई वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज इन इंडिया, राइट आंसर इज रबी क्रॉप्स। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप टाइप्स आर अफेक्टेड जनरली पॉजिटिवली बाई वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज इन इंडिया, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, रबी क्रॉप। हु अमंग द फॉलोइंग इज द राइटर ऑफ फेमस पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो बुक लिखी गई थी, किसने लिखा था इसे, तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। हु अमंग द फॉलोइंग इज द राइटर ऑफ द फेमस बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। इन विच ईयर प्लानिंग कमीशन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, प्लानिंग कमीशन जो है वो कब इंडिया में इस्टेब्लिशमेंट हुई थी उनकी, तो राइट आंसर इज 1950। इन विच ईयर प्लानिंग कमीशन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 1950। What is the annual financial assistance given to eligible farmers under the PM Kisan scheme?
राइट आंसर इज ऑप्शन सी RS 6000। व्हाट इज द एनुअल फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन टू एलिजिबल फार्मर्स अंडर द PM किसान स्कीम? राइट आंसर इज ऑप्शन सी 6000। द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड अ हेल्पलाइन फॉर वुमेन कॉल्ड दामिनी? राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए। द ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट ऑफ विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड अ हेल्पलाइन फॉर वुमेन कॉल्ड दामिनी? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट टू सेव पेपर बाय यूजिंग डिजिटल मीडियम फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क? राइट आंसर इज वेस्ट बंगाल। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट टू सेव पेपर बाय यूजिंग डिजिटल मीडियम फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, वेस्ट बंगाल। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड अ स्कीम कॉल्ड जन सेवक टू होम डिलीवर वेरियस गवर्नमेंट सर्विसेज टू सिटीजन्स? राइट आंसर इज कर्नाटका। गाइस, सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं ज़्यादातर। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड अ स्कीम कॉल्ड जन सेवक टू होम डिलीवर वेरियस गवर्नमेंट सर्विसेज टू सिटीजन्स? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कर्नाटक। द स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर इनिशिएट हैज बीन लॉन्च्ड अंडर विच स्कीम? राइट आंसर इज आयुष्मान भारत, ऑप्शन बी। द स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड अंडर विच स्कीम? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, आयुष्मान भारत। द सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 2015। The Soil Health Card Scheme was launched in which year? Right answer is option C, 2015. Who was recently reappointed as the Deputy Election Commissioner of India for the term of 1 year? Right answer is Umesh Sinha. Who was recently reappointed as the Deputy Election Commissioner of India for the term of 1 year? Ek saal ke liye bana hai. Right answer is option A, Umesh Sinha. Who was recently appointed as the new managing director of the State Bank of India? Right answer is option A, Challa Srinivasulu Setty. Pata nahi Indian sabke bhi naam kis tarah ke hain. Who was recently appointed as the new managing director of the State Bank of India? Right answer is option A, Challa Srinivasulu Setty. Next, Manmohan Sood who passed away recently belong to which field? Manmohan Sood जो है वो recently उसकी death हो गई है, तो वो किस field से belong करते थे? Right answer is option B, sports. Manmohan Sood who passed away recently belong to which field? Right answer is option B, sports. Who has been recently conferred with the Harit Ratna Award 2019 in the field of agriculture? Right answer is N. Kumar. Who has been recently conferred with the Harit Ratna Award 2019 in the field of agriculture? Right answer is option A, N. Kumar. Which state is going to observe No Vehicle Day on the first day of every month in 2020? Right answer is option D, Rajasthan. Which state is going to observe No Vehicle Day on the first day of every month in 2020? Right answer is option D, Rajasthan. Bhitarkanika National Park, sometimes seen in news, is situated in which Indian state? Right answer is option A, Odisha. सो गाइज, हमने डिस्कस कर लिए काफ़ी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स से थे, ज़्यादातर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई गलती हो, कोई मिस्टेक हो, आपको कुछ पूछना हो, तो आप बला झिझक जो है कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करता हूँ सभी का। एंड कोई गलती हो तो आप पूछ सकते हैं मुझे, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधार कर लूँगा। एंड आपको कुछ और मटेरियल चाहिए, कुछ चाहिए तो बताइए मुझे, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। एंड
आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं रिप्लाई करता हूँ। सो गाइज, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइज, अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, मेरा सपोर्ट कीजिए थोड़ा। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।